डांस करना है। हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में, और आप मेरे अटायर से समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो हम जा रहे हैं नवरात्रि के सेलिब्रेशन में। तो यहां पे ना ज्यूरिक में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है IAGZ, जो यहां पे रिलीजियस फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे होली, दिवाली। हम होली में गए थे उनके फंक्शन में, तो उसका भी वीडियो हमने डाला था, बहुत मज़ा आया था। तो वही आज यहाँ पे नवरात्रि का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, नवरात्रि का जो ये सेलिब्रेशन है, ये ज्यूरिक के बाहर है थोड़ा, जो तो बुलाक करके एरिया है, तो उसके लिए जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अभी ट्रैम में बैठे हुए हैं और कल्याणी और कृषि तो फुल एक्साइटेड है एकदम। और ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, तो वहाँ पे जो हॉल है वो लगभग 1500 की कैपेसिटी है। तो देखते हैं इतने बड़े स्केल पे इतने सारे अपने देसी लोग रहेंगे वहाँ पे और कैसे सेलिब्रेशन होता है। फुल एक्साइटेड। तो गाइज, हम अब हॉल के सामने पहुंच चुके हैं। तो मेरे लिए आप देख सकते हैं हॉल बहुत ही बड़ा हॉल है ये। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 प्लस की कैपेसिटी है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद यहाँ पे जैकेट वगैरह रखने की जगह है, तो वहाँ पे हमने जैकेट वगैरह निकाल लिए, शूज निकाल लिए। अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ अंदर आते से ही ना राइट साइड में एक काउंटर है जहाँ स्वीट्स मिल रहे हैं। तो अपना इंडियन पेठा है यहाँ पे, और यहाँ की लीन की चॉकलेट्स हैं और कुछ दिया। सो मुझे पेठा तो बहुत पसंद है, डार्क वाली। अच्छा, और मैं पेठा ले लेती हूँ। ये डार्क है। और आप देखिए तो कितना ज्यादा सच धज के लड़की आई है, इतनी सुंदर प्यारी दिख रही है, और अंदर में बहुत अच्छी दिख रही है। चलो फिर। माय गॉड, बाउंसर कितना बड़ा गार्ड रखा है यहाँ पे। ये वेलकम टू गरबा नाइट। और अंदर आते यहाँ ये सेल्फी काउंटर है जहाँ पे लोग ढेर सारे फोटोज ले रहे हैं, और हम भी लेंगे। और इस साइड में है खाने के स्टॉल्स, और यहाँ ऐसे टेबल वगैरह भी रखा है, तो आप लोग नाश्ता और यहाँ पे बैठ के खा सकते हो, मस्त एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे में यहाँ स्टेज है बड़ा सा, तो स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगे, और लोग बहुत ही इतने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे देखने को मिलते नहीं है, तो आज इतना मस्त लग रहा है ना कृषु। चल कृषु, आरती कर लेते हैं फिर आएंगे। और यहाँ पे ना ऐसे हमको बैंड्स IAGZ गरबा, इनके बैंड्स लगाए अभी और ऐसे एंट्री दिए गए। का है माँ, चलना। और यहाँ पे भी आरती शुरू है, तो अपन वो पहले अटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। हमने इसकी एक्चुअली पोस्ट डाली थी पहले, तो आई थिंक बहुत सारे पहचान के मिलने वाले हैं आज, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है लोग आके जब बात वगैरह करते हैं तो। और देखिए कितना बड़ा हॉल है ये, बहुत मस्त लग रहा है। Thank you.
आपको पास से दिखा देते हैं। यहाँ पे देवी माँ को इतने अच्छे से सजाया है और साइड का डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारा किया है। यहाँ पे जैसे इंडिया में भी होता है ना कि बीच में अपन मंदिर रखते हैं वो और आजू बाजू गरबा डांडिया खेलते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये सेटअप करा हुआ है। साइड में प्रसाद भी रखा है तो हर कोई यहाँ पे प्रसाद ले रहा है। यहाँ पे नहीं, पूरा फूड काउंटर है और यहाँ गुजराती थीम है तो ज़्यादातर गुजराती डिशेज आपको दिखेंगी। तो ये तो डिनर वाला काउंटर है, ये बाद में अपन क्या दिखाएंगे, पहले अपन चलते हैं नाश्ते के काउंटर पे जहाँ पे आपको मिलेगा जलेबी फाफड़ा, जो शशांक का बहुत ही फेवरेट है। जेठालाल देख देख के शशांक के दिमाग में घुस गया जलेबी फाफड़ा भी, इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा जलेबी फाफड़ा एंड सांभारा। और उसके बाद चलते हैं, दिखाए कि जलेबी फाफड़ा और यहाँ पे है ये फ्राइज और पास्ता है, ये क्रीमी पास्ता तो काफी डिलीशियस दिख रहा है कुछ। हाँ, किड्स काउंटर है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम एक मनी सेविंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो पेपेनी एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऐप है जिससे आप कोई भी फॉरेन कंट्री से इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इसकी ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है और इसी के साथ साथ में आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे कि 1 यूरो का क्या रेट चल रहा है गूगल पे, उससे भी बढ़िया रेट आपको पेपेनी के ऐप पे दिखेगा। और इनका ना 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और इनका रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है, तो अगर आप रेफ़र करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों को तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पर क्लिक करके आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और ये शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो फॉरेन में रह रहे हैं। तो अब टॉपिक पे वापस चलते हैं, अभी चलते आगे। यहाँ पे ये इडली सांभर जो साउथ इंडियन है, मेदू वड़ा भी है, तो ये भी काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। और इसके बाद ये बिरयानी है, चाहिए यहाँ पे लिखा है ये फ्राइड राइस है और मंचाऊ नूडल्स है। यहाँ पे ये चाइनीज काउंटर काइंड ऑफ। और चलते आगे, और आगे में तो बहुत भीड़ है, ये कौन सा काउंटर है पता नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ है। समोसा और दाबेली, हाँ समोसा दाबेली पे लोगों ने एकदम टूट मचाई है। और आगे ये हो गए, और यहाँ पे ये ड्रिंक्स, तो ड्रिंक में है मसाला चाय, पीने का पानी, कोको कोला, ये सब यहाँ पे हैं। तो काफी मस्त काउंटर्स है और हमने थोड़ी बहुत प्री बुकिंग की है, अभी डिनर टाइमिंग होने का है इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है, इसलिए डिनर का भी आपको मेनू दिखा देती कि क्या क्या है। चलो फिर है ना कृष्ण। तो यहाँ पे ये उंधियू, ये उंधियू है क्या? अच्छा। और यहाँ पे ये आलू की सब्जी, और यहाँ पे ये जीरा राइस है, और ये है रायता, और वाह ये सही लग रहा है यार, हलवा और सैलेड और पापड़, पूरा अच्छे से मस्त मेन्यू है ये, गर्मा गर्म। अभी टाइम है ना, अभी रख ठीक है, बट बहुत ही सही। हाँ हाँ, हमको है जलेबी फाफड़ा का क्रेज, और मेरे से ज्यादा शशांक को बहुत ही क्रेज है, ये तो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है पहले खा लेते हैं ऐसे क्या यहाँ का काउंटर खाली है बट यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए, देखना कितनी भीड़ हो गई है, जगह कहाँ है बैठने के लिए। और गाइस यहाँ पे माहौल बन गया है एकदम, यहाँ पे दो गरबा राउंड्स चल रहे हैं अभी, यहाँ भी ये बहुत बड़ा वाला गरबा चल रहा है और साइड में एक छोटा सा गरबा चल रहा है जहाँ पे एक मैम है जो वर्कशॉप काइंड ऑफ ले रही है, वो स्टेप्स बता रही है। यहाँ के भी लोकल लोग आए वहाँ पे स्टेप्स सीखने के लिए, और हमने भी सोचा कि पहले वहाँ पे थोड़ा कर ले मैम के साथ, वो कैसे सिखाती है, वो हमारा हो गया। अभी हम आ गए अभी बड़े गरबा में खेलने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक टीचर भी है जो कि थोड़ा प्रैक्टिस करा रही है, तो इन्होंने अपना यहाँ छोटा सर्कल बनाया है और इसमें कई सारे यहाँ के लोकल लोग भी हैं, फॉरेनर्स, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं वो लोग बहुत।
यहाँ पे कुछ लोग एकदम जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं ना वो पहन के आए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो है ये बड़ा सर्कल है जो यहाँ बीच में माता का छोटा सा मंदिर सा रखा हुआ है, और उसके सर्कल में यहाँ पे गरबा कर रही है। तो ये तो पूरा इंडिया की अपनी याद दिला रहा है मस्त। अरे अब बच्चे भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने मस्त ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हैं और एंजॉय कर रहे हो। और शशांक अभी गया है गरबा खेलने, देखते हैं फिर कहाँ पे हो। मैं भी ढूंढ ही रही हूँ कब से, हाँ अभी स्पॉट हुआ है बॉयज। है हमारी आज की पहली डिश तो जलेबी फाफड़ा है इसमें, और पपई का सांभर है। अब कृषि ने शुरू कर दिया है पहले। कैसा है? तो ये आ गई है, यहाँ पे चाय है, इसके बाद ये क्या दाबेली है, ये चाय समोसा चाट है, और ये जलेबी फाफड़ा, इसके साथ भी चाय। और खास मतलब यहाँ पे पपई का सांभरा है, वो खाना तो वो मिलता नहीं है कहीं पे, बाकी जलेबी फाफड़ा तो हम घर पे भी बनाते हैं। तो अभी हम ये स्नैक्स एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। शुरू का भी खाना पीना चल रहा है अभी मस्त। कृषि डांस करके दिखा थोड़ा, कृषि। और कृषि को तो डांस वगैरह करना इतना पसंद है ना, घर पे भी उसको बस सॉन्ग्स लगा दो और वो अपना नाचना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे वो भी बढ़िया एंजॉय कर रहा है। को भी खास बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एरिया है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे ना वॉशरूम में बेबी का डायपर चेंजिंग फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ का ये इतना ध्यान रखते हैं, मतलब बेबी का डायपर चेंजिंग, ड्रेस चेंजिंग वगैरह जो भी है उसका प्रॉपर स्टेशन है यहाँ पे वॉशरूम के अंदर में बने हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस गरबा से तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो एक डेढ़ घंटे का गरबा हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे डांडिया का टाइम है। तो ब्लू बॉक्सेस में ना यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए थे डांडिया, तो ये वो लेके अब सब लोग यहाँ पे डांडिया खेल रहे हैं। कल्याणी भी खेल रही है, थोड़ी देर बाद मैं भी खेलूँगा। अभी कल्याणी मुझे यहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग दे रही है साइड में, तो हम दोनों खेल रहे हैं। कृषि के साथ पास भी डांडिया है, तो कृषि भी खेलेगा। लोकल लोग भी हैं, फॉरेनर्स जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भी ट्रेडिशनल वगैरह पहन के आए हैं और डांस भी कर रहे थे। अभी थोड़ा ब्रेक टाइप चल रहा है गाइस, अभी एक डांस परफॉर्मेंस के बाद में हम खाना खाने आए हैं थोड़ा, तो हमने लिया है अब यहाँ पे समोसा चाट है एंड वेज फ्राइड राइस। Okay।
गाइस यहाँ पे अभी कल्याणी डांस कर रही है, ग्रुप डांस हो रहा है यहाँ पे अभी। बहुत ही बढ़िया माहौल लग रहा है एकदम। और यहाँ पे चल रहा है गरबा। सब पहले बैठ रहे हैं और जैसे धूल शुरू होती है सब उठ जाएंगे, आप देखना। गाइज अभी यहाँ पे 11:15 बज रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी चले गए हैं, फंक्शन ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने आए हैं। हम तो यहाँ पे 5:30 बजे आए थे, तो 5-6 घंटे हो गए, कैसे टाइम गया पता ही नहीं चला। बहुत मज़ा आया फंक्शन में, और हमें ना हमारे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले जो आए थे यहाँ पे। हमने इसका पोस्ट डाला था तो वो देख के वो आए थे, और काफ़ी दूर से आए थे, मतलब दूसरे सिटीज से वगैरह भी लोग आए थे, लुजर्न से वगैरह। और वापस जाते वक्त तो देखिए बस में ऐसा सीन था ना, कभी देखने नहीं मिलता है। पूरी बस में सारे इंडियंस थे जो अब वापस घर जा रहे थे। सो गाइस पूरा इवेंट ख़त्म होने के बाद हम अब घर आ चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया इवेंट था ओवरऑल। तो आपको ये कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और दिखाइए उन्हें कि स्विट्ज़रलैंड में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।